नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रसोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। पेड़ से टकराया ट्रक, हेल्पर की जिंदा जलकर मौत। जिला शाहजहांपुर के थाना निगोही में गांव उदारी निवासी 20 वर्षीय सौरभ हेल्परी का काम करते थे। सौरभ के बाबा रामपाल ने बताया कि सौरभ मंगलवार तड़के 5 बजे बरेली से ट्रक में सीमेंट लादकर पीलीभीत जा रहे थे, तभी नवाबगंज में पीलीभीत हाईवे पर ट्रक पेड़ से टकरा गया और अचानक उसमें आग लग गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि सौरभ ट्रक का केबिन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाने से अंदर ही फंस गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, तब तक सौरभ की मौके पर जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नाम आपका? रामपाल। कहाँ रहते हैं आप? उदारे। थाना कौन सा लगता है? निगोही। जिला? हमारा पोता था। क्या घटना हुई थी? ट्रक में टकरा गया पेड़। कहाँ पर टकरा गया? नवाबगंज से 4-5 किलोमीटर आगे। ट्रक चलाते थे क्या? नहीं, हेल्पर ही था। क्या भरा था ट्रक के अंदर? सीमेंट। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? बरेली से पूरन। मौत हो गई मौके पे? मौके में। ड्राइवर की हालत कैसी है? ड्राइवर अभी तक मिले नहीं। कब का हादसा है ये? रात 5 बजे। हादसे में युवक की मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। बदायूं में दातागंज के गांव फिरोजपुर निवासी 26 वर्षीय राम प्रकाश सोमवार शाम दिल्ली जाने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में गांव के ही रहने वाले श्यामपाल और रामसेवक मिल गए। दोनों ने उसे बाइक पर बैठा लिया और सभी बाइक से बरेली आ रहे थे। रास्ते में हादसा हो गया, इसमें राम प्रकाश की मौत हो गई जबकि श्यामपाल और रामसेवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे मृतक के पिता रामचंद का आरोप है कि उनका बेटा दिल्ली जा रहा था। श्यामपाल और रामसेवक ने फोन करके बुलाया और बेटे की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। जिला कौन सा लगता है? बताइए क्या हुआ था बेटे के लिए? बेटे कचना अच्छे खासे आने लगा। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली को जा रहे थे। फिर क्या हुआ था? अब दो लड़का मिले गए रास्ते में। दो लड़का मिले, बिन्ने बैठा लिया मोटरसाइकिल। कल लड़का ने फोन करो तब हम भाज के आए गाड़ी करके। कितने लोग थे ये? 3 लोग हैं मोटरसाइकिल। आपके बेटे की हालत सीरियस है क्या है? हमारे लला पतोई ने। भमौरा में करंट लगने से लाइनमैन की मौत। भमौरा के गांव लंगूरा निवासी 33 वर्षीय राजवीर यादव लाइनमैन का काम करते थे। सोमवार रात गांव की लाइट खराब हो गई तो वह शटडाउन लेकर पोल पर चढ़े थे, तभी अचानक सप्लाई चालू हो गई और करंट लगने से उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दबंगों ने व्यापारी और उनके बेटे पर किया हमला। अलीगंज में तिगुनिया निवासी नंदकिशोर गुप्ता सोमवार रात बेटे साहिल के साथ में दुकान बंद करके स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर कुशाग ने साथियों के साथ उनकी स्कूटी रोक ली और आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लोहे की रॉड लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में दोनों घायल हो गए। नंदकिशोर ने कुशाग और उसके भाई बबलू उर्फ विपिन समेत 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हेमलता हत्याकांड में पति राजकुमार के खिलाफ तहरीर। शाही के गांव बकैनिया में रहने वाला राजकुमार पत्नी हेमलता के साथ बाइक से 14 मई को ससुराल से घर लौट रहा था। रास्ते में हेमलता की 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पति राजकुमार ने पुलिस को बताया था कि उसे बदमाशों ने रोका और लूटपाट का विरोध करने पर हेमलता की हत्या कर दी, मगर उसके एक भी खरोंच तक नहीं आई। ऐसे में पुलिस को पति पर पहले से ही शक था। अब मामले में नया मोड़ आ गया है। हेमलता के पिता ने भी दामाद पर हत्या करने का शक जताया है। उन्होंने थानाशाही में तहरीर दी है। पुलिस की पूछताछ में साफ हो चुका है कि राजकुमार हेमलता पर पहले से शक करता था। उसकी सहेलियों तक से फ़ोन पर बातचीत बंद करा दी थी। हत्या से 10 दिन पहले भी उसकी पिटाई की थी। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।